मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक मीटिंग कर रहे थे, दिल्ली का उनका दौरा है और बैरी हलके के 44 गांव के सरपंचों से उन्होंने मुलाकात की है। दिल्ली के हरियाणा भवन में मुलाकात हुई, लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया। हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने का बड़ा लक्ष्य है बीजेपी का और उसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के प्रयास में मुख्यमंत्री की बड़ी बड़ी मीटिंग। सुनवाते क्या कहा उन्होंने मीटिंग के बाद। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और सरपंच तो हमारे इस लोकतंत्र का प्रथम मजबूत पायदान है जो विकास के कार्यों को गति देने में उसकी अहम भूमिका होती है और हमने सरपंचों को बिल्कुल कहा है कि हमारे दरवाजे भी आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं और जो भी काम आपने किए या जो काम टेंडर में है ऐसे सब काम आप लोग गति से करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत समस्या आती है सरपंचों को मैंने ये भी कहा है कि आप डायरेक्ट आकर के मेरे को मिलिए, उस समस्या का समाधान करेंगे, परंतु हमने मिल करके कार्यों को आगे बढ़ा लिया और किसी प्रकार की कोई दबाव की दिक्कत की कोई बात नहीं है। एक सिस्टम बना है, मनोहर लाल जी ने जबरदस्त सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को हमने दुरुस्त करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करना है, ये मैसेज देना है, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक मैसेज पूरे देश में ये गया कि पढ़ी लिखी पंचायतें अगर कहीं हैं तो हरियाणा के अंदर है और इस टेंडर प्रक्रिया का भी मैसेज पूरे देश में देंगे कि इसके माध्यम से हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं और वो मिलकर के सरपंचों के साथ बैठ करके उसका रास्ता उनके साथ बैठ करके उसको निकाल करके जहाँ भी इनको दिखते हैं उसका सरलीकरण करते हुए इस समस्या का समाधान। 10 लोकसभा को लेकर के आप लगातार इलेक्शन का माहौल आप नहीं जा रहे हैं, किस तरह का माहौल चल रहा है, कहीं हालांकि है नहीं भाजपा वाले कहीं प्रचार कर रहे सामने तो कोई है नहीं सर। देखिए क्योंकि लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और लोगों का जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, हमारे डबल इंजन की सरकार ने काम किए, फोरम के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने जबरदस्त काम किए हैं, एक सिस्टम को सुधारा है मनोहर लाल जी और गुड गवर्नेंस का उदाहरण अगर कहीं देखने को मिलता है तो हरियाणा के अंदर मिलता है। मैं ये भी देखता हूँ क्योंकि 2014 से पहले जब इस सिस्टम को सुधारने का क्रम शुरू हुआ था उस सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमने बुढ़ापा जो पेंशन थी, जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता दिया जाता था, उस सम्मान भत्ता के अंदर उनको कई प्रकार की दिक्कतें खामियां थी और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता था, परंतु जब उसको ऑनलाइन किया तो थोड़ी दिक्कतें समस्याएं हैं, परंतु एक दो महीने के अंदर उसको हमने दुरुस्त कर दिया और दुरुस्त करके आज बुजुर्गों को सम्मान भत्ता डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुँचाया जा रहा है, ये सिस्टम को सुधारा और उसी कड़ी के अंदर आज जो सरपंचों से बात हुई है कि हम इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आपको कोई दिक्कत ना आए, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है उस हमारा सरपंच ध्यान रखे, कहीं अगर मैंने कहा है सरपंचों को कि अगर कोई क्वालिटी की अंदर आपको दिक्कत आती है कि हम क्वालिटी घटिया स्तर की है, सरपंच उसको तुरंत लिख करके देगा, हम सुनेंगे, अधिकारी जिम्मेवार है, अधिकारी जो वहाँ पर उस काम को करा रहा है कि उस क्वालिटी को ध्यान रखें, कई बार टेंडर व्यक्ति माइनस में लगा देता है, हमने ये भी उनको आश्वस्त किया है कि अगर इस प्रकार की बात कोई जो टेंडर लगाने वाला व्यक्ति है कि वो माइनस में ले जाता है और फिर छोड़ करके चला जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, तो उसको भी एक बार करेगा वो उसको ब्लैकलिस्ट करने का काम करेंगे, दोबारा वो इस प्रक्रिया के अंदर ना आ सके उसको भी हम सुनिश्चित करें, क्योंकि हमने काम करना, काम को गति देनी है और सरपंचों के साथ मिलकर के देनी है, सरपंचों को कोई दिक्कत समस्या ना है, सरपंच हमारे आदरणीय है, मैंने कहा है कि हमारी लोकतंत्र की इस कड़ी का ये प्रमुख व्यक्ति है जिसके माध्यम से हम विकास की गति को तेज करने का काम करते हैं और अगर इनको समस्या आ गई तो हमें समस्या आ जाएगी तो इनको हम समझते हैं। आम आदमी पार्टी वाले भी आपका रामराज के नाम से पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, रामराज की बात वो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, उनको लेकर क्या कह रहे हैं, इनका पोर्टल लॉन्च किया गया है आपका रामराज आम आदमी पार्टी का। हाँ देखिए क्योंकि वो अपने तरीके से किस प्रकार से
इन चीज़ों को बनाने का काम कर रहा है।